डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये दो कंपाउंड हमने लिया है, एक है यूरिया और दूसरा है यूरासिल। दोनों के स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यूरिया का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें सेंट्रल एटम, यहाँ कार्बन है और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ। दूसरा है नाइट्रोजन और इसके साथ दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और दूसरा भी नाइट्रोजन है, इसके साथ दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर है बॉल एंड स्टिक मॉडल, इसमें ब्लैक जो बॉल है वो कार्बन है और रेड बॉल है वो ऑक्सीजन है। उसी तरह से जो स्काई ब्लू बॉल है वो नाइट्रोजन है, इसके साथ दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और दूसरा भी जो स्काई ब्लू बॉल है नाइट्रोजन है, उसके साथ दो वाइट बॉल हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये दो स्ट्रक्चर हैं, एक तो प्लेन स्ट्रक्चर है सिंपल, जिससे हम लोग ये देख रहे हैं कि यूरिया मॉलिक्यूल में कौन सा एटम किससे जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा जो बॉल एंड स्टिक मॉडल है उसमें ये देखा जा रहा है कि ये स्पेस में जो डिफरेंट एटम्स हैं यूरिया के वो किस तरह से ये जुड़े हुए हैं। तो ये यूरिया का जो बॉल एंड स्टिक मॉडल है ये एक्चुअल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार यहाँ यूरासिल का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, इसमें दो कार्बोनिल ग्रुप है और दो अमीनो ग्रुप है, और इसका ये बॉल एंड स्टिक मॉडल है, ये स्पेस में है। तो इससे हम लोग ये कंक्लूजन क्या ड्रा करते हैं कि किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर का अर्थ ये हुआ कि किसी मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एटम है वो किस प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं और इसका स्पेशियल अरेंजमेंट किस प्रकार है। तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि ये कंपाउंड में बॉन्डिंग किस प्रकार की है। तो बॉन्डिंग को समझने के लिए ये देखना है कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन किस प्रकार होता है। हमें पता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन दो तरह से हो सकता है, एक तो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें सभी एटम का ऑक्टेट पूरा होता है, और दूसरा है बाय ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल। तो ये जो प्रेजेंट डे में है जो या एक्चुअल स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड का समझना हो तो बेस्ट जो मेथड है वो बाय ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल और एक्चुअल में हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या है कि हाइड्रोजन को छोड़ के जो दूसरे एटम है उसमें एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये डिफरेंट जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में मिक्स होते हैं। वैसे ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी बराबर होती है या लगभग बराबर होती है और इनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद ही किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर या इसका शेप हम लोग सही तरीके से बतला सकते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ये सिंपल मॉलिक्यूल है मीथेन का मॉलिक्यूल। तो यहाँ देखते हैं कि मीथेन में एक कार्बन है और चार हाइड्रोजन है। ये कार्बन के आउटर मोस्ट में चार इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हाइड्रोजन के चार एटम जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में शेयरिंग करके कार्बन का ऑक्टेट पूरा होता है।
लेकिन इसे अगर हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर हम लोग ये मीथेन का स्ट्रक्चर समझाना हो तो ये कार्बन के जो आउटर शेल हैं इसमें दो सब सेल हैं 2s और tp, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और देखते हैं कि यहाँ दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि ये कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो हमें ये चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसलिए कार्बन को एनर्जी दी जाती है और ये एक्साइटेड स्टेट में आकर के ये चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए ऐसा देख रहे हैं कि एक्साइटेड स्टेट में 2s में वन इलेक्ट्रॉन है, 2px में वन, 2py में वन और 2pz में वन, ये चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं और ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं और इस यही प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है और जो इसे ऑर्बिटल मिलता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाता है। तो ये चार ये हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले हैं sp3 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 sp3, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप करके sp3s ये बॉन्ड बनाते हैं, जिसे इस प्रकार ये देखा जा सकता है। ये देखिए ये सेंट्रल कार्बन है, ये चार लॉब हैं और ये चार लॉब्स के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करते हैं और sp3s ओवरलैप होता है और इससे ये सिग्मा आउट बॉन्ड बनता है। तो देखिए इस तरह से देखते हैं कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमें मीथेन का मिला है और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सेंट्रल एटम कार्बन का है। तो ये इस तरह से हम लोग ये मीथेन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने मालूम कर लिया कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और हमें ये डिफिनेशन में देखा है कि जो वही ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं तो जिनकी जो सिमेट्रिक हो, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ लोन पेयर और सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ही पार्ट लेते हैं। ये तो इस हम लोग ये देखते हैं कि भाई किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए उसमें जनरली सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं और अगर मॉलिक्यूल्स का में हमें यह पता हो कि सेंट्रल एटम कितने सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग मालूम कर सकते हैं और उस बेसिस पर उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर या शेप वो मालूम किया जा सकता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यह दो सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर होगा। 3 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, शेप होगा, प्लेनर होगा। 4 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, स्ट्रक्चर इसका टेट्राहेड्रल होगा। 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लेन पर होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और इसका स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल। देखो अब यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से आ गया है, इससे इसका स्ट्रक्चर ये थोड़ा वो डिफरेंट हो सकता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से। तो उस तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे ये अमोनिया मॉलिक्यूल है इसमें एक लोन पेयर होता है तो ये स्ट्रक्चर तो टेट्राहेड्रल है लेकिन जो शेप होगा वो पिरामिडल होगा। तो ये दो चीज़ें हैं, एक स्ट्रक्चर है एक शेप है। स्ट्रक्चर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से मालूम करते हैं और शेप जो है वो एक्चुअल अपीयरेंस होता है, जो उसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होते हैं उसके रिपल्सन मिनिमम रिपल्सन की वजह से जो स्पेस में अरेंजमेंट होता है एटम्स या ग्रुप्स का, उस बेसिस पर हम लोग उसका एक्चुअल शेप ज्ञात कर सकते हैं, जिसे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी कहा जाता है। अब यहाँ देखते हैं कि ये एक इथेन मॉलिक्यूल यहाँ पर लिया गया है, इसमें ये 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन एटम है। इसमें एक कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दूसरा कार्बन भी 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो दोनों कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। तो इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो दोनों कार्बन क्या है, ये टेट्राहेड्रल होगा। ये इसका ऑर्बिटल पिक्चर देखते हैं, देखिए ये कार्बन है,
कार्बन में ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैप कर ये बॉन्ड बनाते हैं, और चौथा दूसरे कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करके ये बॉन्ड बनाता है। उसी तरह से दूसरा कार्बन भी इसमें 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैप करके बॉन्ड बनाता है, जबकि चौथा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ये बॉन्ड बनाता है, और इसमें ये सारे जो बॉन्ड हैं वो सिग्मा बॉन्ड है। अब दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ देखते हैं कि ये इथिलीन का है, इसमें ये कार्बन है, कार्बन के साथ ये 3 sigma बॉन्ड और 1 pi बॉन्ड है। तो हमें पता है कि ये हाइब्रिडाइजेशन में केवल जो है वो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर भाग लेता है, इसलिए ये कार्बन का, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, क्योंकि इसमें ये तीन सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से दूसरा जो कार्बन है वो भी 3 sigma बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन भी होगा sp2। ये पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेता है, क्योंकि ये साइड वाइज ओवरलैप से ये बना हुआ है। ये देखते हैं यहाँ ऑर्बिटल पिक्चर यहाँ पर है, ये इथिलीन मॉलिक्यूल का एक कार्बन, इसमें 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ये ऑर्बिटल हैं। दूसरा भी है कार्बन एटम, इसमें भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, और ये हर एक जो है वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ, इसमें जो पी वाई जो ऑर्बिटल है ये ओवरलैप करता है, और आपस में ये साइड वाई ओवरलैप से ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये देखते हैं कि ये पाई बॉन्ड ये और ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए पाई बॉन्ड यहाँ ये हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेगा। दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर ये बेंजीन का, इसमें देखते हैं कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जिसमें 6 carbon और 6 hydrogen है, 3 इसमें पाई बॉन्ड है जो अल्टरनेट है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। यहाँ देखिए कि ये जो वैकेंट ये जो पी ऑर्बिटल यहाँ पर है ये 6 एक कलर में है, और 6 जो है वो ऊपरी लोब वो अलग अलग कलर में है। तो ये आपस में ये क्या है वो ओवरलैप करते हैं, और ये 2 cyclic स्ट्रक्चर बनाते हैं, 6 एक तरह के, ये जो प्लस वाले हैं 4 जो है वो बाहर वाले और 2 अंदर वाले ये रिंग का एक फॉर्मेशन करते हैं। उसी तरह से 4 नीचे वाले और 2 ऊपर वाले ये आपस में ओवरलैप करते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ ये जो दो ये डीलोकलाइज बताया गया है बेंजीन का स्ट्रक्चर, इसमें 2 रिंग है, एक ऊपर है एक नीचे है, इसका मतलब जो ये पाई जो बॉन्ड है वो बेंजीन रिंग का या कोई भी एरोमेटिक सिस्टम का है, ये अल्कीन के डबल बॉन्ड से अलग होगा। इसका मतलब अर्थ क्या हुआ, इनसे कंक्लूजन क्या निकला कि अल्कीन जो रिएक्शन देगा वो बेंजीन के रिएक्शन से बिल्कुल अलग होगा। तो ये किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को अगर हम समझ जाते हैं तो इससे ये पता होता है कि भाई ये जो अलग अलग जो कंपाउंड्स हैं उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर उनका जो रिएक्शंस या प्रॉपर्टी को हम लोग जो ये डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन से जो बॉन्ड बना है ये 2 तरह के बॉन्ड हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो है ये मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एक तो है लोकलाइज्ड बॉन्ड और एक डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। लोकलाइज्ड बॉन्ड में क्या होता है, ये 2 एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं, मतलब उनका मूवमेंट नहीं के बराबर होता है, तो ऐसे बॉन्ड को लोकलाइज्ड बॉन्ड बोलते हैं, और ये जनरली सैचुरेटेड सिस्टम में होता है।
जैसे यहाँ इथेन का एग्जांपल है, ये कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, तो ये चूँकि हेड ऑन ओवरलैप से बने हुए हैं, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं, इसलिए इनकी मोबिलिटी कम होती है, गतिशीलता कम होती है। उसी तरह से ये साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल है, साइक्लोहेक्सेन ये देख रहे हैं कि ये सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन है और ये हरे कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है, सभी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं और ये सभी बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड है, ये हेड ऑन ओवरलैप से बने हैं, इसलिए यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लोकलाइज्ड होंगे। अब यहाँ जो बेंजीन मॉलिक्यूल हमने अभी ऊपर में देखा है, यहाँ देखा है कि यह दो रिंग है, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन फिक्स नहीं है, इसलिए इसको ये डीलोकलाइज्ड बॉन्ड बोलते हैं या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है, अब ये 1,3-ब्यूटाडाइन का लेते हैं, यहाँ देखते हैं कि जो ये सिंपल स्ट्रक्चर है, ये C1-C2 के बीच में डबल बॉन्ड है और C3-C4 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ ये पाई जो बॉन्ड है इनका पोजीशन फिक्स है, लेकिन यही हम लोग अगर ऑर्बिटल पिक्चर यहाँ देखते हैं तो देखते हैं कि ये 4 ऑर्बिटल हैं, ये C1-C2 के 2 और C3-C4 के 2, चारों आपस में ये वो मिक्स दिख रहे हैं, इसका मतलब जो यहाँ पाई जो बॉन्ड है वो ये लोकलाइज्ड नहीं है बल्कि डीलोकलाइज्ड है। तो डीलोकलाइजेशन जो होगा वो या तो कंजुगेटेड सिस्टम में होगा, कंजुगेटेड मतलब क्या हुआ, या ओपन सिस्टम हो या क्लोज सिस्टम हो, वो ओपन सिस्टम हो या क्लोज सिस्टम हो, इसमें ये अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होता है, जैसे C1, C2, C3, C4, ये C1, C2 के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर C2, C3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, फिर C3, C4 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो ये हम लोग ऑर्बिटल पिक्चर से किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छी तरह से ये देख सकते हैं, और स्पेशियल अरेंजमेंट के बारे में यूरिया और यूरासिल दोनों का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें देख रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर ये किस तरह से हमें वो प्राप्त होता है स्पेशियल अरेंजमेंट में। तो ये दोनों तरह के हम लोग स्ट्रक्चर, एक हाइब्रिडाइजेशन से जो प्राप्त होता है और इसका ऑर्बिटल पिक्चर, दोनों तरह के जो है वो जानकारी हमें होना चाहिए, तभी किसी कंपाउंड के जो वो प्रॉपर्टीज़ है और ये किस तरह का रिएक्शन है हम लोग को सही सही जानकारी होगी। थैंक यू वेरी मच।